ठीक है, जब हम साइकिल चला रहे होते हैं, ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि अगर हम अपना पैडल मारना रोक दें, तो ये साइकिल कुछ दूरी तक चल करके क्या हो जाती है, रुक जाती है। अगर हमको कंटिन्यूअसली आगे चलना रहता है, तो हम क्या, हमको फिर से अपनी पैडल, ये जो पैडल है, इसको घुमाना पड़ता है ना। क्यों? क्योंकि इस रोड के और इस टायर के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स है जो हमारी मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, ठीक है। सो ये अनबैलेंस फोर्स है, ये एक अनबैलेंस फोर्स है। अगर ये ना होता, ये फ्रिक्शन फोर्स ना होता, तो कंटिन्यूअसली हमारी साइकिल अपने आप चलती रहती, हमको बार बार पैडल मारने की ज़रूरत ना पड़ती, ठीक है। सो न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने ये जो गैलीलियो का कॉन्सेप्ट था उसको मॉडिफाई किया, गैलीलियो के कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई किया, और किसी भी बॉडी की मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, फुल्ली एक्सप्लेनेशन के लिए उसने तीन नियम दिए, मोशन के तीन लॉ दिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। कितने नियम दिए? तीन नियम, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, न्यूटन के द्वारा बताए गए ये तीन नियम, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन से रिलेटेड न्यूटन के द्वारा बताए गए तीन नियम, उसने तीन नियमों में, तीन रूल में, ठीक है, तीन लॉ में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी कि किसी बॉडी की मोशन कैसे स्टार्ट होती है, ठीक है, मोशन के लिए कॉज क्या है, ठीक है, उस पर इफेक्ट क्या क्या आएगा, और किस टाइप के फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस कैसे जनरेट होते हैं, ये सारी चीज़ें उसने अपने लॉज में बताई, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सो फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, या इसी को हम लोग बोलते हैं गैलीलियोस प्रिंसिपल, गैलीलियोस प्रिंसिपल या फिर गैलीलियोस लॉ। गैलीलियोस प्रिंसिपल क्यों बोलते हैं, क्योंकि गैलीलियो के प्रिंसिपल को ही मॉडिफाई करके न्यूटन ने इस लॉ में बताया, ठीक है, फर्स्ट लॉ में बताया। इस लॉ में क्या बताया न्यूटन ने, इस लॉ में ये बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहने की कोशिश करती है, वो उसी स्टेट में रहने की कोशिश करती है, और उसमें किए गए चेंजेस का अपोज करती है, उसमें किए गए चेंजेस का अपोज करती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसकी एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की अपनी एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं, जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर या अपने स्टेट में होने वाले चेंज का अपोज करती है। अगर वो मोशन में है, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही बनी रहेगी, ठीक है, अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही बनी रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तब उसकी स्टेट चेंज होगी, नहीं तो उसकी स्टेट वही रहेगी, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं अपनी डेली लाइफ में, जैसे कि हम लोग बस में बैठे रहते हैं, ठीक है, ये बस है, यहाँ पर इसके अंदर हम बैठे हैं, ठीक है। तो हम जब बैठे रहते हैं तो चेयर पर बैठते हैं, तो ये शरीर के हमारे कमर के ऊपर का जो पोर्शन है, ठीक है, वो फ्री रहता है, लेकिन हमारा जो कमर के नीचे का पोर्शन है वो हमारे सीट के साथ रहता है, बस की सीट के साथ। तो जब बस में मोशन स्टार्ट होती है, जब बस मूव करना स्टार्ट करती है अचानक से, तो ये जो सीट है बस की, ये सब मोशन में आ जाती है, पूरा का पूरा जो बस कनेक्टेड है वो सब क्या आ जाता है, मोशन में। लेकिन हमारे कमर के ऊपर का जो पोर्शन है वो क्या है, अभी भी फ्री है, ठीक है, अभी भी फ्री है। तो कमर, हमारी जो बॉडी है वो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है, क्योंकि पहले हम रेस्ट में थे, लेकिन जो बस है वो मोशन में आ गई, ठीक है, उसमें कौन सी नेचर आ गई, मोशन की नेचर आ गई। तो हमारा कमर के नीचे का पोर्शन तो मूव करने लगता है सीट के साथ, लेकिन हमारी बॉडी का ऊपर का जो पोर्शन है वो अभी भी रेस्ट में रहने की कोशिश करता है, जिसके कारण क्या होता है, हम लोग पीछे की तरफ खिंच जाते हैं हल्का सा, है ना। अगर हम दूसरी सिचुएशन को देखें, तो अगर बस मोशन में है, ठीक है, किसी स्पीड से चल रही है, और अचानक से ड्राइवर ब्रेक लगा दे, ठीक है, तब क्या होगा कि तब हमारी पूरी बॉडी क्या है, मोशन में है, लेकिन जैसे ही ब्रेक अप्लाई होगा तो इस बस के साथ साथ हमारे कमर के नीचे का पोर्शन, ठीक है, सीट के साथ रुक जाएगा, ठीक है, रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन हमारी बॉडी किस में रहने की ट्राई करेगी, कोशिश करेगी मोशन में रहने की, जिससे हम क्या करेंगे, आगे की तरफ झुक जाएंगे। इसीलिए अगर
हम बस में बैठे हैं या कार में बैठे हैं या किसी भी ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं या किसी भी छोटी मोटी गाड़ी में बैठे हैं, ठीक है, अंदर, तो वहाँ पे हमको एक सीट बेल्ट मिलता है लगाने के लिए। क्या मिलता है? सीट बेल्ट। सीट बेल्ट क्या करता है कि जब हम आगे की तरफ झुकते हैं तो वो हमको रोकने की कोशिश करता है। ऐसे अगर हम बांधे हैं आगे की तरफ जाएंगे तो ये एक अपोजिंग फोर्स लगाएगा, जिससे क्या होगा, वो बैलेंस कर लेगा उस झटके को, बैलेंस कर लेगा जो हमें अचानक रोकने से मिला है। उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए सीट बेल्ट जो है एक फोर्स अप्लाई करता है, और जिसके कारण हम सामने किसी भी चीज़ से टकराने से बच जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं जहाँ पर हम कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, फर्स्ट लॉ है, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है कि जब किसी टर्न पे गाड़ी मुड़ती है ना, बस में बैठे हैं, किसी टर्न पे टर्न होने लगती है, तब हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ हम दीवार जो होती है, उस गाड़ी की जो दीवार है इस साइड की, ठीक है, उससे टकरा जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो नेचर है, ठीक है, हमारी जो टेंडेंसी थी पहले की, वो इधर चलने की थी, लेकिन अचानक से जब बस इधर मुड़ गई तो हमारा आधा पोर्शन तो बस के साथ इधर मुड़ जाता है, लेकिन आधा पोर्शन अभी भी इधर ही रहने की कोशिश करता है, जिसके कारण क्या होता है कि हम इस साइड वाली दीवार से टकरा जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम अपने डेली लाइफ में फील करते हैं, ठीक है। इसी को न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में समझाया। किस रूल के अकॉर्डिंग समझाया? उसने क्या बताया? उसने ये बताया कि ये सब कुछ ऑब्जेक्ट के अंदर की जो प्रॉपर्टी है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनर्सिया, उसके कारण होता है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है, तो अपने इनर्शियल नेचर के कारण, इनर्शिया के गुण के कारण, ठीक है, अपने अंदर होने वाले अचानक से किसी भी चेंज को अपोज करती है, ठीक है। अब NCERT बुक में, ठीक है, तीन एक्टिविटी दे रखी हैं, ठीक है, Activity 1, Activity 02, Activity 03। अब इन तीन एक्टिविटीज़ में क्या क्या है, एक एक करके देखते हैं, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। जो पहली एक्टिविटी है उसमें दे रखा है कि ये मान लो कैरम है, ठीक है ना, कैरम बोर्ड है। कैरम में बहुत सारी क्या होती हैं, अगर ये कैरम के क्वाइंस हम लेते हैं, ठीक है, तो अगर हम इसको समेट के एक जगह रखें, मान लेते हैं कि इस तरीके से रखा है, हम ऐसे सारे क्वाइंस को इस तरीके से रखा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हम एक सबसे मोटा वाला क्वाइन रख दें, है ना। अगर मान लेते हैं हमने सिक्के रखे हुए हैं, ठीक है, हमने क्वाइंस रखे हुए हैं, यहाँ पे सबसे मोटा वाला रख दें, ठीक है, यहाँ पे, और अचानक से एक यहाँ जिससे हम लोग हिट करते हैं, ठीक है, जो बड़ी वाला क्वाइंस है उससे जिससे हिट करते हैं, उससे बहुत ज़ोर से मारें हम, ठीक है, तो जो इस पर लगे तो क्या होगा, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये छिटक जाएगा, और हो सकता है जो ऊपर हैं ये सब यहीं रह जाएँ, ठीक है, लेकिन बीच वाले जो हैं वो ज़रूर निकल के बाहर चले जाएंगे, है ना। तो इस तरीके की एक्टिविटी हम देख सकते हैं, या फिर इसके लिए एक दूसरा एग्जांपल हम लोग सोच सकते हैं ऐसे कि अगर ये कोई खंबा है ना, ये कोई खंबा है, ठीक है, जो ईंट से बना है, ये बड़ा सा खंबा, मोटा सा, ठीक है। अब क्या करें, इसको थोड़ा सा इधर से काट दें, इधर से काट दें, ऐसे हो जाए, ठीक। अब अगर अचानक से बहुत तेज़ी से अगर हम इस पर कोई फोर्स लगाएं, बहुत बड़े हथौड़े से इसको मारें, तो ये हो सकता है कि ये पूरा पोर्शन अलग हो जाए और ये पूरा का पूरा जो ऊपर वाला पोर्शन है वो नीचे गिर जाएगा। अगर इतना फोर्स हम लगाते हैं कि ये पूरा पोर्शन कट के आगे निकल जाए, तो निश्चित रूप से ये जो ऊपर है, ठीक है, ये ज़रूर नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये उसके साथ आगे नहीं जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने जब फोर्स लगाया तो इस इतने पोर्शन पर लगा और इतना पोर्शन में मोशन आ गई, वो आगे बढ़ गया, ठीक है, लेकिन जो ऊपर का पोर्शन था ये पहले से किस में था? ये रेस्ट में था, ये रेस्ट में था, तो ये अभी भी रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, इसलिए वो अपनी ही जगह पर नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उसके नीचे का ये जो बेस था वो हट गया, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर हमको इनर्सिया का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, ये अपने इनर्सियल नेचर के कारण अभी भी रेस्ट में रहने की कोशिश करता है, ठीक है। दूसरी जो एक्टिविटी दी गई है वो ये दी गई है कि यहाँ पे ग्लास है, ये पानी से भरा ग्लास है, यहाँ पे एक पेपर रख दें
और उसके ऊपर एक कॉइन रख दें, ठीक है ना, एक 5 रुपए का कॉइन रख दें या फिर 1 रुपए का, कितने का भी कॉइन रख दें, और अगर हम झटके से इस पेपर को खींच लें, अचानक से खींच लें, तो ये जो कॉइन है वो नीचे ग्लास में गिर जाता है, ठीक है, वो कॉइन इस पेपर के साथ नहीं आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो कॉइन है वो रेस्ट में है, हमने मोशन किसको दी, हमने इस पेपर को मोशन दी, तो पेपर जो है मोशन में आ गया, लेकिन कॉइन अभी भी रेस्ट में रहने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि वो ग्लास में गिर जाता है, ठीक है। सो ये एक्टिविटीज़ थी जो आपके NCERT बुक में दे रखी हैं, ठीक है। थर्ड जो एक्टिविटी दी है वो क्या दी है, वो ये दी है कि आप एक ट्रे लीजिए और ट्रे में एक ग्लास रख लीजिए, पानी से भरा, है ना, पानी से भरा ग्लास रख लीजिए, और उसको ले करके अचानक से आप घूम जाइए, एक राउंड कर लीजिए। मान लीजिए हमने ट्रे पकड़ लिया, ठीक है, और यहाँ पर पानी का ग्लास रख लिया, ठीक है, अब क्या किए, उसको अचानक से लेके टर्न कर जाइए, तब क्या होगा कि जब जो हमने ग्लास रखा है ना, वो ग्लास लुढ़क जाएगा और पानी क्या होगा, गिर जाएगा, ठीक है, वो ग्लास लुढ़क जाएगा और पानी क्या होगा, गिर जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए, ठीक है, इससे बचने के लिए क्या होता है कि ट्रे में कुछ मार्क्स लगे होते हैं, ऐसे मार्क बना होता है ना, ऐसे हल्का सा गड्ढा होता है जिसमें हम ग्लास को रखते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे जब हम ऐसे टर्न करेंगे, ठीक है, घूमेंगे, तो क्या होगा कि ये ग्लास इधर से और इधर से सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, सपोर्ट मिलेगा, जिससे वो गिर नहीं पाएगा, लुढ़क नहीं पाएगा, गिरने से बच जाएगा, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि इनर्शिया का नेचर ऑब्जेक्ट में कैसे होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इनर्शिया को मेज़र कैसे करते हैं। सो ऐसा क्यों हो रहा है, किसी भी पार्टिकल में ऐसा है, किसी में नहीं है, ठीक है। अगर ये जो ग्लास पर हमने कॉइन रखा था, ठीक है, अगर ये भारी ना होता इस पेपर के ऊपर, ठीक है, अगर ये बहुत हल्का होता तो तब ये हो सकता था कि ये नीचे ना गिरे, ये पेपर के साथ ही चले जाए, ठीक है। लेकिन अगर ये भारी है, ठीक है, अगर ये भारी है तो ये नीचे चला जाएगा, डेफिनेटली नीचे चला जाएगा, ये पेपर के साथ बाहर नहीं जाएगा। और अगर ये ब्लॉक जैसे ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये रेस्ट में है, ठीक है, तो अगर ये हल्का है, ये इसका वेट कम है, तो हमको बहुत कम बल लगाना पड़ेगा इसको मोशन में लाने के लिए। लेकिन अगर ये बहुत भारी है, बहुत बड़ा है, तो हमको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको मोशन में लाने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि इसका जितना ज़्यादा भारी ये होगा, जितना ज़्यादा इसके अंदर वेट होगा, उतना ही ज़्यादा इसका इनर्शियल नेचर होगा। सो जो इनर्शिया है वो डिपेंड करता है हैवीनेस पे, कौन कितना ज़्यादा भारी है, किसका वेट कितना ज़्यादा है, किसका मास कितना ज़्यादा है, ठीक है। सो इसका इनर्शिया ज़्यादा था, इसलिए हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा इसको मोशन में लाने के लिए, या फिर इसकी स्टेट चेंज करने के लिए। तो जिसका इनर्शिया जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उसकी स्टेट चेंज करने के लिए उतना ही ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो ये मास क्या है, मास को हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे कि मास की डेफिनेशन क्या है, तो मास की डेफिनेशन क्या है, मास है इज द मीजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी, किसी भी बॉडी में कितना इनर्शियल नेचर है, इसकी मीजर है मास, ठीक है। तो मास से हम लोग समझते हैं कि कौन सी बॉडी कितना ज़्यादा इनर्शियल नेचर को अपने अंदर स्टोर करके रखी है, ठीक है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसके अंदर इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। अभी हम लोग उसी वही बात कर रहे थे, है ना, अगर इसका मास कम है तो इसके अंदर का इनर्शिया कम है, जिससे कि हमको कम फोर्स लगाना पड़ा इसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। अगर इसका मास ज़्यादा होता तो हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता इसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, ठीक है। सो ये क्या है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने देखा कि मोशन का कॉज क्या है, ठीक है, बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। अनबैलेंस फोर्स जब किसी बॉडी पे लगता है तब उस बॉडी में उसकी स्टेट चेंज होती है, ठीक है। उस स्टेट चेंज करने को बॉडी क्या करती है, अपोज करती है, जो कि उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने गैलीलियो के ऑब्जर्वेशंस देखे, ठीक है, न्यूटन ने क्या मॉडिफिकेशन किए और न्यूटन ने कितने लॉ बनाए मोशन के लिए, उसमें हमने फर्स्ट लॉ देखा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या बताया गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग स्टेट में है या रेस्ट की स्टेट में है, तो अपनी स्टेट में चेंज का अपोज करेगी, ठीक है, या उसकी स्टेट तब तक चेंज नहीं होगी जब तक कि हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना करें, ठीक है। अब ये इनर्शिया का जो मेजर होता है उसे हम लोग मास बोलते हैं,
जिस बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा उसका इनर्शियल नेचर जो है उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। सो अभी तक के लिए इतना सफिशियंट रखते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग अगले लॉ को देखेंगे, सेकेंड लॉ को, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर में प्रोसीड करेंगे, ठीक है।